हाय दोस्तों, आजकल आप सब लोग देख रहे होंगे टीवी पर, सभी पर एक न्यूज़ काफ़ी आ रही है। क्या न्यूज़ आ रही है? बीबीसी डॉक्यूमेंट्री। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री क्या है? बीबीसी डॉक्यूमेंट्री 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली रेप कांड के ऊपर भी बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसके ऊपर ये सब न्यूज़ आ रही है। 16 दिसंबर 2012 को निर्भया का जो रेप हुआ था, उसके सभी कैदियों को, सभी रेपिस्ट को जेल हो चुकी है और उनको सरकार ने फांसी की सजा भी सुना दी है। तो अब मैं ये चाहता हूँ, सरकार ने अपना काम कर दिया, उन सबको फांसी हो रही है, आज नहीं 1 साल बाद उनको फांसी लगनी चाहिए। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि ये बीबीसी वाले क्या चाहते हैं? सरकार ने इसको क्यों बैन किया है, क्यों बैन लगाया है? इसलिए बैन लगाया है कि बीबीसी वाले क्या चाहते हैं, यहाँ से डॉक्यूमेंट्री बनाएं झूठी हो या सही हो और उसको ऑल वर्ल्ड में दिखाएं कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया गलत कर रहा है और इसको सबको दिखा, या इंडिया सही कर रहा है। नहीं, इंडिया क्या नहीं कर रहा है वो ये दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हर देश आज इंडिया के कंपटीशन में पीछे है। इंडिया आज बड़ा मार्केट है, ग्रोथ में आगे है, हर चीज़ में आगे बढ़ता जा रहा है, तो हर देश को इंडिया से चलना है। तो अमेरिका हुआ, बीबीसी वाले हुए, तो ये सभी चाहते हैं कि कैसे भी इंडिया की बदनामी हो। हम यही चाहते हैं कि आप लोग समझो। और ये सबसे बड़ी बात कि बीबीसी वाले इंडिया आके डॉक्यूमेंट्री बना ले गए, किसी को पता नहीं पड़ा। कैसे बना ले गए यार? हम लोगों को आगे या तो पैसा खिलाया गया होगा या जेल वालों को पैसा खिलाया गया होगा, तभी तो ये डॉक्यूमेंट्री बनी। नहीं, ये डॉक्यूमेंट्री बनी तभी क्यों बंद नहीं की गई? तभी इस पर रोक लगानी चाहिए थी। भाई डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हो आप?